एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता, कोई भी आकर कुछ भी कहेगा औरत भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर चलती चली जाएंगी। अच्छी गेम खेली वैसे लड़कियों के टेंशन पाने के लिए तूने। चाहे हिंदू औरत हो, मुस्लिम औरत हो, क्रिश्चियन औरत हो या किसी भी और धर्म की औरत हो, सभी औरतों को मिलकर इन धर्म के ठेकेदारों को बताना चाहिए कि भाड़ में जाओ, हमारे पास अपना दिमाग है। अभी तक तो ऐसे ही चल रही थी लड़कियां अपनी मर्जी से, तभी ये हाल हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी के कुत्ते ध्रुव राठी पर। इस कुत्ते ने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी केरला स्टोरी पर। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। तो आओ यार आज फिर से करते हैं जर्मन शेफर्ड को अलग अलग और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन कॉम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। वीडियो की स्टार्टिंग में इसने एक बात बोली कि हिटलर भी एक बहुत बड़े झूठ को बार बार बोल के उसको सच में बदल देता था। आज मैं भी उसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि कैसे ये सच को छुपाकर एक बहुत बड़ा झूठ बोलकर कैसे लोगों को मैनिपुलेट करता है। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। यही कॉन्फिडेंस के साथ ये भी हर बात को तोड़ मरोड़ कर लोगों को दिखा रहा है। इस टेक्निक के एडिशन में एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने। गोबल्स ने कहा कि रेपिटेशन भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो, इतनी बारी इस बड़े झूठ को दोहराओ कि लोगों को चार चार अलग अलग सोर्सेस से यही झूठ सुनने को मिले। ये जितनी भी 15 से 18 साल की ऑडियंस इसको देखती है ना, वो इसकी बातों में आ जाती है और यही चाहता है। फिर एक तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की, बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी घोल दो। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग आज के दिन बिग लायर्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। अभी इसने बात की हाफ ट्रूथ की, इसका भी यही सीन है। अपनी हर वीडियो में 10% सच बोलता है और 90% झूठ, ताकि वीडियो देखने वाले को लगे नहीं ये तो सच बोल रहा है। ये धीरे धीरे इतना प्रोफेशनल हो चुका है कि इसको 10% सच रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब इसको पता है कि मैं कुछ भी बकवास करूं लोगों ने तो मान ही लेना है। दूसरी साइटेशन देखते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर V.S. अच्युतानंदन का इंटरव्यू। ये केरला के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2006 से लेकर 2011 के बीच में। जो वीडियो फैलाया जा रहा है उनका पुराने वाला, इसे सनशाइन पिक्चर्स ने अपलोड किया था, सेम कंपनी जिसने फिल्म बनाई है। सबसे पहली चीज तो इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ करी। जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं और जो सबटाइटल्स यहाँ लिखे जा रहे हैं वो सही नहीं है। अब ये अपनी वीडियो में कह रहा है कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर थे वो गलत स्पीच दे रहे हैं, सबटाइटल के साथ छेड़छाड़ की गई है, और वो भी किसके कहने पे, एक आर्टिकल के कहने पे। अगर तेरे आर्टिकल की मानेगी सबटाइटल के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो इसका क्या प्रूफ है कि जो तू आर्टिकल दिखा रहा है वो सही है? क्या वो झूठ नहीं छाप सकते? इन 6 औरतों में से 3 ऑलरेडी मुस्लिम थी, 2 ने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और 1 ने कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से इस्लाम में। तो सिर्फ एक ही औरत यहाँ पर ओरिजिनली हिंदू थी, जिसका नाम था निमिषा नायर। और इसके बाद इसने कहा कि सिर्फ एक हिंदू लड़की जो इस्लाम में कन्वर्ट हुई है, और जो वो 2 क्रिश्चियन लड़कियां हैं उनको भी तो कन्वर्ट किया गया है ना इस्लाम में, उनकी बात क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है। एक लड़की को कन्वर्ट करने में कितनी जद्दोजहद लगी होगी, और तू कह रहे सिर्फ एक लड़की? भाई एक एक करके ना न जाने कितनी कन्वर्ट हुई होंगी जिनकी खबर ही नहीं है कोई। इनमें से 3 के वीडियो इंटरव्यूज निमिषा, सोनिया सेबेस्टियन और रफीला के आप YouTube पर ऑनलाइन देख सकते हो, YouTube चैनल स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल पर। 2020 में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और वहाँ असली में देख सकते हो कि औरतें दिखने में कैसी थी, बात करने में कैसी थी और कैसा इनका बिहेवियर था। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी देख सकता है कि औरतें अभी भी कितनी ब्रेनवॉश्ड और रेडिकलाइज्ड हैं। लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है, कॉन्स्टेंटली वो सिंपथी इवोक करने की कोशिश करती है। फिल्म में जितना बेचारा और इनोसेंट करके दिखाया गया है इन औरतों को, ये इनोसेंस असल जिंदगी के वीडियोस में शायद ही झलकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर सिंपथी होगी इन रियल लाइफ औरतों के लिए, या फिर आप इन्हें ब्रेनवॉश्ड बेवकूफ कहोगे? पूरी वीडियो में मुझे एक चीज का जवाब दो, जो इसने कहा उसका लॉजिक बन रहा है कोई? ये सिर्फ तुम्हें पागल बना रहा है, क्योंकि इसको पता है कि लोग मेरी वीडियो को सिर्फ देखने के लिए देखेंगे, समझने के लिए नहीं। इसने वीडियो में बताया कि सिर्फ 3 ही लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं आर्टिकल के बेसिस पर, और वीडियो की स्टार्टिंग में ही इसने कहा था हाफ ट्रूथ के बारे में। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये आर्टिकल्स भी हाफ ट्रूथ हो तो तू मानेगा? तुम लोग मानोगे? और पॉसिबिलिटीज तो वो भी हो सकती है कि जब उन्होंने कन्वर्ट किया हो 2-3 लड़कियों को, तो उनकी बात फैल गई हो पुलिस में, और आगे के कन्वर्जन के साथ साथ उन्होंने लड़कियों के घर वालों को धमकियां देना शुरू कर दी हो कि अगर तूने पुलिस को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस डर की वजह से लोग सामने ही ना आए हो, आर्टिकल में लिखी हुई हर बात सच नहीं होती जर्मन कुत्ते।
पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहां पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में। फिर इसको हर टूटी चीज के साथ सच को एग्जांपल के साथ बताना होता है। केरला स्टोरी को अपनी ही सोची हुई कहानी के साथ एग्जांपल देकर बता रहा है ताकि लोग और ज्यादा कन्वेंस हो जाएं इसके बोले हुए झूठ की तरफ। और इसका बार बार इस मूवी को प्रोपोगंडा बोलना है, प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा के। इसका असली प्रोपोगंडा ये है कि ये पीएम मोदी और बीजेपी को नीचा दिखाना चाहता है। बस इसको कुछ भी करके बीजेपी और पीएम मोदी को नीचा दिखाना है, उसके लिए ये कुछ भी कर जाएगा, किसी भी हद तक पार कर जाएगा। फिर ये बोलता है लड़कियों का अपना दिमाग नहीं है क्या, वो भेड़ बकरी है। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जाती है। ये लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है ये कॉन्सेप्ट। खुद ही सोचकर देखो, जो लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि एक औरत को भड़काया जा सकता है एक आदमी के द्वारा, कैसे लोग है वो? औरत कोई भेड़ बकरी है क्या? एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता? कोई भी आकर कुछ भी कहेगा, औरत भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर चलती चली जाएंगी। अच्छी गेम खेली वैसे लड़कियों के टेंशन पाने के लिए तूने। चाहे हिंदू औरत हो, मुस्लिम औरत हो, क्रिश्चियन औरत हो या किसी भी और धर्म की औरत हो, सभी औरतों को मिलकर इन धर्म के ठेकेदारों को बताना चाहिए कि भाड़ में जाओ, हमारे पास अपना दिमाग है। अभी तक तो ऐसे ही चल रही थी लड़कियां अपनी मर्जी से, तभी ये हाल हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। आफताब फ्रिज खरीद कर लाया था और करीब 18 दिन तक लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। लेकिन अब इनको समझाने का टाइम आ गया कि इन कटी हुई टोपियों से दूर रहो अगर जान प्यारी है तो। ये इस्लाम के ठेकेदार को देख लो, इसने एक और वीडियो पोस्ट की जिसमें इसने बोला कि एल्विश यादव अपनी बैकग्राउंड में जय श्री राम लिखकर गालियां देता है, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता है। एल्विश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करता है व्यूज पाने के लिए। पीछे दीवार पर ये जय श्री राम लिखेगा और सामने बैठकर मुंह से देखो कैसे शब्द निकलते हैं ना। और भाई ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत कैडी ऐप है, मतलब बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। फिर ये अपनी बात मनवाने के लिए हनुमान चालीसा का श्लोक पढ़ता है। हनुमान चालीसा में 2 लाइनें हैं दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए एल्विश ने अपने वीडियोस में इसे कैसे डिपिक्ट किया है। हनुमान चालीसा इन भूतों का पढ़ दो, इनकी जावे एक बज्जी में, समझ रहा हूँ, एक बज्जी में। पुत्र कौन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी। लेकिन एक मिनट, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैनमेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, दे वोंट क्वेश्चन। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैनमेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि कोई कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा? स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता नहीं होता? दैट्स ट्रू। हां भाई केजरीवाल के दल्ले, तू तो मानता नहीं था, अब कैसे श्लोक पढ़ा? अगर राम से तुम नकली है तो रामायण भी नहीं हुई, अगर रामायण नहीं हुई तो हनुमान जी भी नहीं होंगे, तुमने कैसे मान लिया फिर हनुमान चालीसा को? ये है इसकी असलियत। मैंने पहले ही कहा था अगर ये किसी को बुरा दिखाना चाहता है ना तो ये किसी भी हद तक चला जाएगा, फिर चाहे इसको दोगला ही क्यों ना बनना पड़ जाए। इसको खुद केजरीवाल से फंडिंग मिलती है इंडिया के खिलाफ बोलने की और मुसलमानों को डिफेंड करने की। जर्मनी में रह रहा है ना तो वहीं रह, नहीं तो चट्टी खा अपनी बीवी की, चल निकल। तो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, अगर मेरी किसी भी बात से एग्री करते हो तो कमेंट में बताना कौन सी बात से आपने एग्री किया। और हाँ, ये स्पेशल लड़कियों के लिए है, ये टोपी वालों से ना थोड़ा सा दूर रहा करो। तब तक के लिए जय श्री राम।